असलम एवरी वन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड टॉपिक है बेसिकली प्रेसी एंड कंपोजिशन का जिसके अंदर मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छी प्रेसी को लिख सकते हैं सो लेट्स बिगिन सो जो फर्स्ट टिप है वो बेसिकली है कि आपने लिखने से पहले सबसे पहले आपने पैसेज को पढ़ना है जो ओरिजिनल पैसेज है उसको आप पढ़ें और उसको आप स्किम करें मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने माइंड में बिठा लें और उसके बाद आप उस पैसेज को लिखना स्टार्ट करें सेकंड जो टिप है वो है सेकंड रीड एज आरो गोइंग सो बेसिकली आप पहली दफा रीड करते हैं ठीक है आपको सही से समझ नहीं आती तो आप सेकेंड दफा भी रीड करें आप दो या तीन या चार दफा उस ओरिजिनल पैसेज को रीड करें बिफोर राइटिंग प्रेसी, ठीक है तो सेकंड जो पॉइंट है मेजर वो ये है कि आप पहली ही रीड में पैसेज को लिखना ना स्टार्ट कर दें बल्कि आप सेकंड दफा भी रीड दें थर्ड दफा भी दें अगर इनकेस आपको समझ नहीं आ रही तो थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आप जो डील कर रहे होते हैं डिफिकल्ट वर्ड से और जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं कुछ पैसेजेस uh, के अंदर तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दें आप ओवरऑल पैसेज की एसेंस को करने की कोशिश करें कि बेसिकली पैसेज के अंदर क्या बताया जा रहा है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अनफेमिलियर वर्ड्स आप बेहतर है कि आप पूरे जो पैसेज है उसके सेंट्रल आइडिया को कंसिडर करें और जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उसके बारे में परेशान ना हो जो फोर्थ आइडिया है वो है और जो टिप है वो है कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स इज अन इम्पोर्टेंट सॉरी अन इटेंट डिटेल्स So, आपको आ, इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या जो डिटेल पैसेज के अंदर दी गई है वो कौन सी इम्पोर्टेंट डिटेल है और कौन सी लेस इम्पोर्टेंट डिटेल है जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको आप ओमिट कर दें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ऐड कर दें अनदर अदर इम्पोर्टेंट टिप इज टू डू नॉट राइट ओपिनियंस ऑफ योर्स अपने इम्पोर्टेंट ओपिनियन जो है वो आप अपने पास रखें आप अपने ओपिनियन उसके अंदर ऐड ना करें क्योंकि आपने उसके अंदर सिर्फ वही बात करनी है जो उस पैसेज में गिवन है आपने उससे जो डिट्रैक नहीं होना उस प्रेस के जो बेसिकली जो ओरिजिनल पैसेज है उसे डिट्रैक नहीं होना बल्कि जो कुछ उसके अंदर पूछा जा रहा है और जो कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन है उसी के आइडिया को अपने अल्फाज में लिखना है उसके बाद अगला जो टिप है वो है कि नो नीड टू यूज ऑलरेडी नॉन एक्सप्रेशन ठीक है अपने जो जो उसके अंदर ऑलरेडी एक्सप्रेशन गिवन है ठीक है उनको बार बार आपने एक्सप्लेन नहीं करना उनको बार बार आपने अपनी प्रेसी के अंदर यूज नहीं करना अपने वर्डिंग में आपने लिखनी है वही बात हो गई उसके बाद है रिफ्रेम फ्रॉम लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो बेसिकली जो चीज़ आपको पता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं और बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं तो ट्राई करें कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें और आसान अल्फाज यूज करें एग्जामिनर जो है वो कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप चीजों को मुश्किल बनाएं या बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट वैकेबलरी यूज करें बल्कि चीजों को आसान बनाएं और आसान वैकेबलरी यूज करें ताकि उनको समझ आ जाए ठीक है थीके? और मिस्टेक्स के चांसेस भी इसमें कम होते हैं नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग सिनोनेम क्योंकि सिनोनेम को क्यों आप अवॉइड करें क्योंकि एक जगह पर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होगा ठीक है एक वर्ड है तो उसका मीनिंग एक जगह पे डिफरेंट है ठीक है? और आपने वो यूज कर लिया नेम अपनी प्रेसी के अंदर, लेकिन वो 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 पर उसका जो मीनिंग है, है है? नहीं कर रहा, तो तो मतलब है कि आपने वो गलत यूज किया, ठीक तो आप अवॉइड करें सिनो नेम ना यूज करें ठीक है इजी वर्डिंग में उजी यूज करें ठीक है करेंगे तो क्या पता उस जगह पर वो वर्ड सूट ना कर रहा बेशक उसका वो सिनोनेम है लेकिन वो यूज ना करें फिर है यूज लिंकिंग वर्ड्स ठीक है लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं दस हाउर मोर हैंस बट इन एडिशन टू ठीक है इस तरह के वर्ड्स आप यूज करें ताकि आपकी जो प्रेस है वो ज्यादा अच्छी और कम्प्रहेंसीबल वे में आपको इजीली एग्जामिनर uh, को अंडरस्टैंड हो जाए फिर आप अवॉइड करें रिपीटेशन वही बात है कि आप बार बार एक ही आइडिया को रिपीट ना करें फिर है नो डाउन मेन आइडियाज केस अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रेसी है आपको समझ नहीं आ रही कि भाई आप कैसे स्टार्ट करें एग्जाम में बैठे हुए तो आप सबसे पहले क्या करें कि दो तीन दफा उसको रीड करें उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लें ठीक है और उसके बाद आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखें ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है लोफ्टी लैंग्वेज वही होती है कि बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज करना आप अपने ओवर स्मार्ट बनने बनने लगे होते हैं तो उसकी वजह से आप लोफ्टी लैंग्वेज यूज करते हैं बहुत हाई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसको यूज ना करें क्योंकि वो आ, उसकी वजह से आपकी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं एग्जाम के अंदर स्टिक टू वट ऑथर सेज तो इसके अंदर ये है कि आपने डिट्रैक नहीं होना वही बात है कि आपने डी ट्रैक नहीं होना आपने अपनी प्रेसी का जो सॉरी जो ओरिजिनल पैसेज है उसके साथ आपने स्टिक रहना है जो ऑथर कह रहा है

सेकेंड है करेक्टनेस आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपने चीजें लिखी हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो करेक्ट हैं ठीक है स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है ठीक है तो इसको कहते हैं करेक्टनेस थर्ड जो चीज एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है वो है ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दिट एबिलिटी टू प्रिजेंट द फैक्ट्स ठीक है और आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स ना हो उसके अंदर ठीक है तो अनकलर्ड बाय ओन पर्सनल पर्सनल फीलिंग ओपिनियन एंड बायसेस ठीक है तो इसके अंदर आपके अपनी आप, आपने फैक्ट्स और फिगर्स बताने आपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं बताने तो ऑब्जेक्टिविटी उसको कहते हैं फोर्थ जो चीज है वो है कोहेरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपकी जो प्रेस हमेशा वही अच्छी हो coherent होती है जो कोहेरेंट होती है कोहेरेंस का मतलब होता है कि लॉजिकल हो क्लियर इंटरकनेक्टेड हो मतलब एक आइडिया अगर एक आइडिया उसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया दिया है वो उसके साथ लिंक हो रहा हो सेकेंड आइडिया जो है वो फर्स्ट आइडिया के साथ लिंक हो रहा हो तो so, उसको so, कहते हैं कोहेरेंस फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कम्पलीटनेस कम्पलीटनेस का मतलब होता है कंप्लीटनेस मीनस दैट राइटर शुड इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन दी प्रेसिंग ठीक है कम्प्लीट होनी चाहिए उसके अंदर प्रेसिंग जो पॉइंट है वो है कंसाइजनेस कंसाइजनेस का मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हैं ठीक है उसके अंदर आप ब्रीफ लिखें ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल्स ना डालें ओमिट करें अननेसेसरी डिटेल्स को ठीक है एलिमिनेट करें लॉन्ग और विंडिंग एक्सप्रेशन को इंक्लूड करें रेलिवेंट मटीरियल और अननेसेसरी रिपीटेशन से आ, निजात आपको ताकि मिल जाए ठीक है ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे ठीक है जो कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे ठीक है और दूसरा हम लोगों ने कुछ पढ़े टिप्स और ट्रिक्स सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इफ़ यू हैव एनी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.